विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष या विशेषताएं बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष आकार रंग रूप आदि का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताने वाले शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वस्तु गिनने योग्य हो और संख्या निश्चित हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चयवाचक विशेषण किसे कहते हैं? यदि वस्तु गिनने योग्य हो परंतु संख्या निश्चित नहीं हो और कुछ, कई, थोड़ा, कम, अनेक आदि शब्दों से बताई गई हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी वस्तु की मात्रा, मापतोल आदि के विषय में बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिनमें अनिश्चितताएं होती है, पता नहीं कितना पर वस्तु मापने तोलने योग्य होती है तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी विशेष वस्तु संज्ञा के बारे में बताया जाता है तब वह संकेतिक या सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण तथा विशेष्य से क्या समझते हैं? जो शब्द संज्ञा या सार्वनाम शब्दों के गुण दोष या विशेषताएं बताते हैं उसे विशेषण, और जिन संज्ञा या सार्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा, मापतोल आदि के विषय में बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को और किस नाम से जाना जाता है? सार्वनामिक विशेषण को और सांकेतिक नाम से जाना जाता है। मैं नियम से दो केले खाता हूँ, इस वाक्य में दो विशेषण का कौन सा भेद है? संख्यावाचक विशेषण है। इन चित्रों को देखकर दो दो विशेषण शब्द लिखिए। सफेद और भूरा गाय, प्यारी और अच्छी लड़कियां, सुंदर और पीले चूजे, छोटे और बड़े खिलौने, खुशबूदार और रंगीन फूल, चतुर वालिका, तीसरा लड़का, ऊंचा भवन, छोटा घर, कुछ गाय, 3 किलो आटा, यह गुब्बारा। बोर्ड पर लिखे विशेषणों एवं विशेष्यों को सही स्थान पर लिखिए। विशेषण: लंबे वाल, विशाल भवन, हरे हरे पेड़, कठोर हृदय, नीला आकाश, हमारा विद्यालय, रंगीन पेन। इस बार दिवाली पर 5 दिनों की छुट्टियां थी, ये संख्यावाचक है। रेखांकित पद किस विशेषण भेद को दर्शाते हैं? संख्यावाचक या परिमाणवाचक लिखिए। उसके पास लाखों रुपए हैं, ये परिमाणवाचक। प्रत्येक पंक्ति में 10-10 बच्चे खड़े हैं, संख्यावाचक। 40 रुपए के 1 दर्जन केले हैं, 40 जो है वो संख्यावाचक है और 1 दर्जन केले हैं परिमाणवाचक है। सिद्धांत ने थोड़ी सी खीर खाई, परिमाणवाचक। बाढ़ में सारी संपत्ति बह गई, परिमाणवाचक। थोड़े से चावल खा लीजिए, ये भी परिमाणवाचक है। दिए गए विशेषणों के विलोम शब्द नीचे शब्द जाल में लिखे हैं। आप दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे चुनकर लिखिए, जैसे अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा,
मोटा पतला, सफेद काला, बड़ा छोटा, गीला सूखा, अवगुण गुण, सख्त नरम, खुला बंद, बूढ़ा जवान।